नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं अनूप चित्रवंशी व्लॉग। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं काशी के एक ऐसे मोक्ष धाम को जहां मृत शरीर का पहुंचना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं माना जाता और जहां मृत्यु भी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वाराणसी के 84 घाटों में सबसे पुराने और फेमस घाट मणिकर्णिका घाट की, वही मणिकर्णिका घाट जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान है। मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये है मणिकर्णिका घाट का गेट यानी कि मोक्ष द्वार। सफर की शुरुआत यहीं से होती है, इधर लेफ्ट साइड से शव यात्रा आती है और इन सकरी गलियों से गुजरते हुए मणिकर्णिका पहुंचती है। मेरे राइट साइड में काशी विश्वनाथ धाम का गेट नंबर 4 है। तो आइए चलिए यात्रा स्टार्ट करते हैं और इस मणिकर्णिका तीर्थ स्थल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्ण फूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम स्वयं भगवान शंकर जी द्वारा किया गया था, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता सती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार यहाँ पर किया गया था, जिस कारण इसे महाश्मशान भी कहते हैं। इन सकरी गलियों में आप देखेंगे यहाँ लोगों के घर भी हैं और छोटी छोटी दुकानें भी, और इन्हीं गलियों से प्रतिदिन हजारों शव यात्राएं गुजरती है। अगर आपको मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने में कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे फर्श पे गिरे लाई के टुकड़े देखें और इसको फॉलो करते रहें, आप मणिकर्णिका घाट पहुंच जाएंगे। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश दिया जाता है एवं मोक्ष प्रदान की जाती है। रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ जी का गौना होता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा मसान की होली खेलते हैं, जो कि काशी में मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं होता। तो दोस्तों, अब मैं मणिकर्णिका घाट पहुंच चुका हूं। ये घाट काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से सटा हुआ है और इस घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं ये लकड़ियां यहाँ पर इकट्ठा करके रखी गई है। इधर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक शवदाह जो होते हैं वो ऊपर होते हैं इस साइड में, और ये सामने आप देख सकते हैं माँ गंगा का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। इस घाट की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर किए जाने वाले दाह संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान महाकाल की प्रमुख नगरी काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलना निश्चित है, इसी कारण यह हिंदू धर्म का एक धार्मिक एवं बहुत ही मान्यता प्राप्त दाह संस्कार स्थल है। इसके चलन में एक कथा है कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने समय से आज तक यहाँ की अग्नि यानी कि ज्वाला अभी तक बुझी नहीं, चाहे कितनी भी परेशानियां हो फिर भी यहाँ पर एक के बाद एक चिताएं जलती रहती हैं। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का सौदा हो रहा होता है। यहाँ हर रोज 200 से लेकर 500 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए यहाँ भगवान विष्णु ने कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग मणिकर्णिका कुंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस घाट की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। यहाँ पर इतने ज्यादा दाह संस्कार होते हैं, इसके बावजूद यहाँ के वातावरण में कोई गंध नहीं होता। इसी घाट से रोजाना हजारों टूरिस्ट गुजरते हैं और बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन भी करते हैं। इसके साथ ही इस घाट पर आने के बाद आपका जीवन से मोह भंग हो जाएगा, आपके मन में एक ही बात उठेगी कि यही जीवन है और यही सत्य भी। इसके अलावा यहाँ इसी घाट पे आपको रिफ्रेशमेंट के लिए छोटी छोटी चाय नाश्ते की दुकानें भी मिल जाएंगी, जो इस श्मशान घाट को और श्मशान घाटों से अलग बनाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। दोस्तों, दाह संस्कार के बाद परिजन इस घाट से होते हुए सिंधिया घाट जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं सिंधिया घाट का नजारा, काफी भीड़ भाड़ है। यहाँ परिजन दाह संस्कार करने के बाद गंगा में स्नान करते हैं। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट से फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।